बहुत काफ़ी है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं अपने भाई बहन भाई का, देखते हैं किस प्रकार से जैसे आएंगे चलेंगे उस जगह पर। आज राजनगर के अंदर करने वाले पूरा प्रोग्राम शूट, तो नए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें यार हमारे चैनल यूट्यूब पहाड़ी ब्लॉग को, और दिखाते रहेंगे नई चीज़ें। और चलते हैं आज राजनगर के अंदर प्रोग्राम शूट करेंगे और काफ़ी चीज़ दिखाने वाले हैं, और पूछे से रास्ता आने वाला है जो उससे पूरा विदेश में आएंगे, पूरा चलता है ये मीडिया से आने वाला है। और हम यहाँ पहुँचे हुए और थोड़ा सा हमने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाते चाय में, और आज राजनगर करने वाले पूरा कैप्चर, तो थोड़ा भीड़ जरूर है। तो आज हम मिला रहे हैं सिंह हरियाणा जी से, और दिल्ली बुलियो करने वाले हैं खूब सारी, तो यार उसके बाद मज़ा आता है, तो दिल्ली बुलियो करते हैं। तो मुझे चलता है, हमारे पुराने प्रसिद्ध कलाकार हैं और सिंगर हैं, तो कर रहे हैं इंतजार ब्रजेश भाई का, देखने की देर बाद आज का प्रोग्राम शूट करेंगे सारा चीज़ें और दिखाएंगे इसमें एक्टिविटीज में। हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं, क्योंकि 10 मिनट में कैसे आने वाले हैं, तो देखते हैं टाइम फिर लगेगा। और मीटिंग पे है और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा हमारे पीछे देखें, पूरा रोड खाली जाने वो, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा नज़ारा दिखा रहे हैं, पीछे हमारा थोड़ा सा नज़ारा है। अब हम ब्लैक हो गए, तो कदम वतन करते देखते हैं, तैयार करते हैं और चलते हैं उसके बाद। आज हम आए हैं राजनगर के अंदर और आज ऐसा प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। सबसे पहले तो हमसे मिलते हैं जो यहाँ के कार्यकर्ता है, और मैं जानना चाहता हूँ आज ये क्या किस चीज़ का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। सर आपका शुभ नाम सर। मेरा नाम ताराचंद पंत, टीसी पंत है। सर आज यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या मतलब क्या उपलक्ष्य किया गया है? कार्यक्रम हो रहा है फूल दही के उपलक्ष्य में। अच्छा, तो जो हमारे उत्तराखंड में फूल दही बनाई जाती है उसके उपलक्ष्य में हम एक टीवी के कलाकार हैं, उनको एक रंगारंग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सर इतना लेट क्यों, अभी ऐसे होली भी चलेगी, फूल दे हमारा चला गया, लेकिन इतना देर क्यों? इसी महीने, पूरे चैत के महीने में होती है। अच्छा, 14-15 तारीख से लेकर और हमारा अगले महीने की जो जेठ के महीने का लास्ट पहला दिन होता है, उस दिन तक हमारे पूरे जेठ के महीने ये फूल दही का पर्व मनाया जाता है। अच्छा सर, ये बताएंगे कोई कौन सी संस्था है, किस नाम से आप ये प्रमोट कर रहे हैं? जो भी है उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच के नाम से है, और स्टार रामेश्वरम में रहते हम लोग, एक सोसाइटी है वहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सर आज क्या प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, क्या अपने क्या सोचा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? उत्तराखंड कल्चर के ऊपर एक हमारे जो गाने वगैरह होंगे, किशन सिंह हरियाणा पार्टी है वो लोग आ रहे हैं, वो लोगों के थ्रू हम यहाँ पे अपने उत्तराखंड के लोगों को और अपनी सोसाइटी के लोगों को तो दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कल्चर कैसा होता है, देखो सर इसको भी आगे प्रमोट कराएंगे। तो यहाँ पे क्राउड अभी बहुत कम नजर आ रहा है, आने वाले हैं सब लोग, अभी पहुँच जाएंगे सब, नीचे अभी घरों में है, जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर दिखाता कि चैत का महीना जो चल इस टाइम चल रहा है, और फाल्गुन कहते हैं हमारे यहाँ पर काफी अच्छा, जो अभी जो है फूलदेही जो जो हमारे पूर्व में अभी चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम फिर बहुत बढ़िया तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि मैं एक सोसाइटी पे आऊँ, मैं चाहता हूँ कि राजनगर की सोसाइटी है जहाँ पे, ये किस नाम से सोसाइटी आप बताइए? स्टार रामेश्वर। स्टार रामेश्वर है भगवान के नाम से, रमेश्वर तो भगवान के नाम ही समझ लेते हैं, तो हम उसकी देवभूमि में आगे हैं। तो चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका जैसा जाएंगे सर, सर आपका मैं शुभ नाम जा सकता हूँ क्या? सर सुरेश शाह। सर हमारे बीच में सुरेश शाह जी, मैं इनसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आज यहाँ क्या प्रोग्राम होता है इसके बारे में बताएंगे सर आप मुझे। जैसे हमारे सीनियर मिस्टर पंत ने बताया कि यहाँ पे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है फूलदेही, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के जो सुप्रसिद्ध कलाकार हैं अपना कार्यक्रम पेश करेंगे, अपनी कला के माध्यम से लोगों को आनंदित करेंगे और एक संदेश पहुंचाएंगे भावी पीढ़ी को, जो कि हमारे कल्चर से थोड़ा सा हट गई है, तो उनको रिमाइंड कराएंगे और थोड़ी पहचान कराएंगे, और कार्यक्रम का नाम भी यही अपन पहचान। बिल्कुल सर, ये काफी अच्छी चीज बताई सर आपने, अपनी पहचान जो कही आपने बहुत बताया। आज हमें गर्व है कि उत्तराखंड के जो वासी हैं हर जगह जा जाकर अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हम भाई उत्तराखंडी है, है नहीं? तो सर कैसा लग रहा है आपको जब ऐसा महसूस होता है, जब मतलब इस चीज को प्रोग्राम करने में कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, सही बताऊं कि जो हमारा कल्चर है बहुत ही वास्ट है। बिल्कुल, और मैं जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। बिल्कुल सर, तो मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई सारी दिल्ली से हुई, बट हमारा पहाड़ से नाता यही रहा कि 2 महीने की छुट्टियों में माँ बाप गाँव ले जाते थे। बिल्कुल सर, तो वो जो बचपन के जो डीप इंप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा डीपली बॉडी माइंड में समाहित है, तो इस तरह के जब भी कार्यक्रम होते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है और मन करता है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम आगे और बढ़ाएं,
और हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको और अवगत कराएं और खूब फैलाएं अपने अपनी विरासत को, अपनी पहचान को। तो सर, नए युवा को क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैं यही कहूंगा कि जीवन को संतुलित बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर एक ही दिशा में, मान लो धन के रूप में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, या पद के रूप में, या एक ही शिक्षा की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर आप बैलेंस खोते जा रहे हैं, अपने रूट्स को खोते जा रहे हैं, तो वो सही दिशा में ग्रोथ नहीं होगी। तो होलिस्टिक ग्रोथ के लिए अपनी विरासत को भी संभालना उतना ही आवश्यक है जितना और चीजों को। बिल्कुल सर। तो सर ने काफी अच्छी चीज बताई यहाँ पर। उत्तराखंड के जो हमारे रहने वाले वासी हैं, जो काफी बेहतरीन तरीके से इस कल्चर को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति को लोगों में फैलाते हैं, आज हम राजनगर के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी वासी इस प्रोग्राम को देखकर उनको एक नई प्रेरणा मिले और हमारे उत्तराखंड को भी एक कहते हैं चीज अच्छी चीज मिलती है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा माहौल रहता है, हम उत्तराखंड में ही पहुंच गए ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत ही खास फीलिंग है। बिल्कुल सर। और एक वैसे भी हम देवभूमि के रहने वाले हैं, तो सच्चे वासी हम, वैसे भी हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता हर लोगों में फैलाए। बिल्कुल है ना। तो सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात बताई और मैं चाहता हूँ इस ग्रुप के साथ जुड़े और काफी अच्छा यहाँ का प्रोग्राम होने वाला है और आज का जो प्रोग्राम है हम पूरा कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और इसी तरह से आते रहे और हमें दिखाते रहे इसी तरह से, और ये राज्य के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आज देखे इस प्रोग्राम का और लुत्फ उठाए। तो थैंक यू सो मच, और भी लोगों से हम बातें करते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए यहाँ दिखाते हैं किस प्रकार से अभी क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या आइटम भाई साहब ने रखा है यहाँ पर। काफी शानदार चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहते हैं कि बुरास का फूल से जो बनता है जूस, वो ये भैया रखे। सर नाम से आप रूल कराते हैं तो भैया आपका शुभ नाम जान सकते हैं? बिशन सिंह नेगी जी हमारे बीच में। और आज क्या क्या यहाँ बेच रहे हैं, क्या क्या सेल कर रहे हैं, क्या क्या देने वाले हैं उत्तराखंड वासियों को? तो सबसे पहले भैया आप क्या क्या यहाँ सेल करने वाले बताइए। सेल में हमारे पास जो है ये बुरास का जूस है, मालसई का है, ये जो है लीची का है, ये माल्टे का है, ये पुदीने का है। तो काफी चीजें यहाँ पर देने वाले हैं जो यूनिक चीजें उत्तराखंड के जो फूल पौधों से जो बनती है वो चीजें आपको यहाँ पर देने वाले हैं। 100 रुपए का आधा किलो। देखो 100 रुपए की दाल दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन है और लोग यहाँ खरीद रहे हैं हमारे। हाँ, चाहते हैं मैं इन लोगों से ही बात करूँ कि ये कौन कौन सी दालें। अच्छा दीदी, एक चीज बताएंगे अभी कौन सी आप दाल ले रही हैं, बताएंगे कौन सी दालें बताएंगे? जैसे नाम इसका ये मसूर है। ये मसूर की दाल भाई बहुत फेमस है हमारे उत्तराखंडवासी ज्यादा खाते हैं। और कौन सी दाल खाते हैं बताइए? जैसा खाते हैं भाई। तो ये गेहूं की दाल है। तो भैया गेहूं की दाल का क्या रेट दे रहे हैं अभी आप? ये 220 से। भैया 220 की इतनी ऐसी दे रहे की पत्थरी को ठेक करने वाली दवाई दे रहे हैं भैया, राम मार दे रहे हैं। अरे दखिया भी दे रहे हैं। अरे मंडवा भाई, जिसने मंडवा नहीं खाया वो मंडवा खा सकता है यहाँ पर। भैया बहुत चीज हो रही है, सेल हो रही है तो ले सकते हैं आप। तो काफी देख रहे किस प्रकार से यहाँ पर हमारी पब्लिक ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ और भी दिखाता हूँ, यहाँ पर पास लेके आता हूँ, जरा बातें करते हैं इनसे भी, महिलाओं से भी, और आज का क्या क्या कार्यक्रम होना अभी। तो अभी आप क्या क्या अभी आज क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है बताइए आप जैसे मुझे। प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट हो ही रहा है धीरे धीरे, अभी हम यही देख रहे हैं। अभी आप ये अभी यही देख रहे हैं, खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं कि भैया अभी क्या लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो जरूरत की चीजें वो यहाँ ले रहे हैं। हाँ जी, ये लेते रहिए, अभी देखते हैं बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पर चलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है और जिस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम होने वाला है अपडेट अभी चल रहा है और काफी कलाकार सिंगर यहाँ पहुंच चुके हैं। और मैं चाहता हूँ दिखाऊं किस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक की एक भीड़ नजर आ रही है और यहाँ पर महिलाएं जो है सारी लगी है। और चलते हैं आज के प्रोग्राम को कैप्चर करते हैं किस प्रकार से कैप्चर होने वाला है। और यहाँ पर नगर समूह के साथ एंट्री यहाँ हो रही है। ये हमारा ट्रेडिशनल बैंड है जो
तो दोस्तों निकल पड़े उस जगह पर जहाँ था रामेश्वर पार्क। यहाँ पर काफ़ी सुंदर था और हम गए थे वहाँ वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर गए हुए थे, कोई डांस करते, कोई नृत्य करते, और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिली। हमें लगा कि यार कोई छोटा मोटा प्रोग्राम तो छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसमें खाने पीने का था, आधार हर प्रकार का था, और साथ में यहाँ इतना अच्छा एनवायरमेंट बना था और इतने अच्छे लोग थे यहाँ पर, इतने सारे सभ्य थे और शांत माहौल था। यहाँ के जो लोग थे कुछ अदर भी थे, कुछ हमारे पहाड़ उत्तराखंड के भी थे, तो उन लोगों को देखने को मैं खूब बताया, कुछ लोगों से बातें की मैंने, और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था और एक अच्छा ब्लॉग करने वाला। मैंने कहा चलो पीछे दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग वहाँ करते थे। ये मंदिर है जो रामेश्वर नाम से है, जो काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी मान्यता भी बहुत मानी जाती है, और यहाँ लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं, और साथ में वहाँ पर लोग नाचते नजर आ रहे थे और वहाँ पर घूम रहे थे। और मैंने कहा कि अपने पहाड़ी उत्तराखंड वासियों को थोड़ा सा कैप्चर किया अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाएं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते, आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कैसे प्रोग्राम हो रहा है और आगे अपडेट करते रहेंगे। और ज़्यादा बातें करते चलते हमारे जब तक ब्लॉग को शूट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार करें। और यहाँ हो रहा उत्तराखंड का एक डांस नृत्य जो कहते हैं आज हो रहा है रामेश्वर, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार का क्राउड है और क्राउड के साथ यहाँ सारी महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है, और मैं चाहता हूँ आपको ये डांस और नृत्य के माध्यम से सारे के देखने को मिलता है। और यहाँ पर आज एक बहुत बेहतरीन होने वाला प्रोग्राम, और जिस प्रकार से यहाँ महिलाएं आज जुड़ी हुई है और काफी लोग यहाँ सोसाइटी के लोग भी जुड़े हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारे नगर दमो डमू और साथ साथ जिस प्रकार से साथ के साथ ये लेके जा रहे हैं इधर, और आज एक अच्छा मौलम चलते सारी औरतें भी अब जा रही हैं। और हम यहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत सारा बेहतरीन यहाँ का, जिसकी बात हमने काफी सुंदर बातें सुनी है कि यहाँ पर जो है सोसाइटी के अंदर एक मंदिर बनाया है और बहुत सारा बेहतरीन है। आइए करते हैं, चलो बातें करते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे जिस प्रकार ये प्रोग्राम हो रहा है, चलते हैं। तो फाइनल से यहाँ पर सुधार प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए और यहाँ खा रहे हैं गोलगप्पे, हैं कैसा लग रहा है गोलगप्पे, कैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, टेस्टी है, क्या मजा आया यहाँ पर, क्या मजा आया आपको? अंकल मोमोज तो एकदम मस्त हैं। कौन सी कहाँ से खाया आपने मोमोज? अंकल से। अंकल से खाए यहाँ पर, अंकल की दुकान काफी बता रहे हैं, अंकल कह रहे हैं अंकल ने मोमोज दिए हैं, तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं और सारे बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर, काफी बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं और सबको प्यार दे रहे हैं। तो अभी काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ लोगों से बातें करूँ और किस प्रकार से। तो नमस्कार सर, कैसा लगा अभी आपको यहाँ का प्रोग्राम, बताइए जरा सा। अच्छा लगा है। मतलब कहाँ उत्तराखंड के आप? नहीं, या कहाँ के सर आप? हम तो मेरठ के हैं। अच्छा मेरठ के, तो कैसा लगा सर आज यहाँ का जो प्रोग्राम? अच्छा लगा है। तो आपने क्या अच्छा, सबसे बेस्ट क्या लगा सर आपको यहाँ पे, लोग रहन सहन या मतलब किस तरह से, मतलब गाना वाना यहाँ, मतलब यहाँ का कल्चर आपको पसंद आया? तो आप कहाँ मेरठ में कहाँ के रहने वाले? जैसे मेरठ में हम सरदने के जुड़े के पास, तो हमारे भैया जो है हमारे साथ जुड़े थे और काफी अच्छा लगता है कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड के कल्चर को भी देख रहे हैं। तो अभी आपको अच्छा लगा? हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं था कि नहीं, कोई मतलब अच्छा सभ्य मतलब जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर भैया ने हमें काफी अच्छा दिया। आपका शुभ नाम था सर? रोहित त्यागी। हमारे बीच में रोहित त्यागी जी ने, उन्होंने काफी यहाँ का प्रोग्राम दिखा, कह रहे हैं बहुत अच्छा था यहाँ पे। और मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूँ, यहाँ पी रहे हैं पानी, तो क्या नाम है आपका? अभियोग। कहाँ रुक? अच्छा कहाँ रुक, कहाँ रुकना बताओ यार, मुझे बताओ। अभियोग बोल रहे हो आप? अभियोग कहाँ रहते हैं मैडम? गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा अभी यहाँ क्या देखना है आप? कौन से गाने? गुलाबी शरारा सुना? क्यों नहीं सुना? तो गुलाबी शरारा वाले आए नहीं थे, भी आए थे ना, तो कौन सा सुना आपने यहाँ गाना? नहीं सुना, अभी बता रहे थे थोड़े। हाँ आपका YouTube चैनल क्या है? मेरा यूके पहाड़ी ब्लॉग्स। अगर आप अपडेट करेंगे, आपका नाम क्या है पहले बताओ सबसे पहले? मैं दिल्ली की। दिल्ली के, क्या नाम है आपका? काशवी। बेटा क्या लगा अच्छा आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ पे डांसेस बहुत अच्छे लगे, बहुत यूनिक टाइप है, और मेरे को जो वो वाला अच्छा लगा जब वो थोड़ा डोली टाइप लेकर आए। अच्छा नंदा जी का डोला। आप कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं वैसे दिल्ली। नहीं पीछे कहाँ से रहने वाले? उत्तराखंड के रहने वाले या दिल्ली? दिल्ली की रहने वाले। तो कभी गाँव जाते हो? तो इसीलिए इसी माध्यम से हमारे कल्चर को भी देख रहे हो यहाँ पर है। तो हमारा कल्चर अच्छा है कि नहीं? बढ़िया है हमारा, बहुत आपका बहुत अच्छा है। तो आप भी जाते हो कभी? गए नैनीताल? नैनीताल गए तुम घूमने? हाँ नैनीताल तो गई। तो कैसा लगा आपको वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। तो उत्तराखंड उधर कभी डांसेस नहीं देखे ना, उत्तराखंड गई। अच्छा आज पहली बार यहाँ डांस देखा आपने? हाँ। तो आज का अनुभव कैसा है आपका? बहुत अच्छा। तो हमेशा ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे? हाँ होना चाहिए। तो छोटी सी, तो हमारे छोटी सी गुड़िया ने हमें बताया यहाँ पर यहाँ ऐसा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि कल्चर से जुड़े रहते हैं लोग। और धीमे धीमे करके हम अभी और लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ गुड़िया से बात करूँ। आप बात करेंगे थोड़ा सा? नहीं करेंगे? तो चलो कोई बात नहीं, बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ और भी कुछ बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो संस्कृत को देख रहे हैं। आज बेटा तो
नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया बताते रहूंगे मैं यूके पहाड़ी, आपके ब्लॉग आपके बीच हमेशा नया नया ब्लॉग लाता रहूंगा, बहुत अच्छी वीडियो दिखाता रहूंगा, उत्तराखंड कल्चर के साथ जोड़ता रहूंगा। और आप लोग सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, वो है सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए, जो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बटन को भी दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हमारे साथ, इसके बाद जो वीडियो चल रही है उसके बाद दूसरी ब्लॉग कल नेक्स्ट दिन 6 बजे आएगी या कभी भी आ सकती है, लेकिन आप अपडेट रहे हमारे साथ और प्लीज कमेंट भर के दे। थैंक यू सो मच। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।